श्री गुरु गीता का पाठ करेंगे। प्रथम अध्याय पहला श्लोक। अथ प्रथमो अध्याय अचिंत्या व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। ऋषयः उचु सूत सूत महाप्राज्ञ निगमागम पारग गुरु स्वरूपमस्माकं ब्रूहि सर्वमलापः। यस्य श्रवणमात्रेण देहि दुःखाद्विमुच्यते येन मार्गेण मुनयः सर्वज्ञत्वं प्रपेदिरे। यत् प्राप्य न पुनर्याति नरः संसारबन्धनं तथाविधं परं तत्त्वं वक्तव्यमधुना त्वया। गुह्याद् गुह्यतमं सारं गुरुगीता विशेषतः त्वत्प्रसादाच्च श्रोतव्यं तत्सर्वं ब्रूहि सूतनः। इति संप्रार्थितः सूतो मुनिसङ्घैर्मुहुर्मुहुः कुतूहलेन महता प्रोवाच मधुरं वच। सूत उवाच शृणुध्वं मुनयः सर्वे श्रद्धया परया मुदा वदामि भवरोगग्निं गीतां मातृस्वरूपिणीं। पुरा कैलाशिखरे सिद्धगन्धर्वसेविते तत्र कल्पलतापुष्पमन्दिरित्यन्तसुन्दरे व्याघ्राजिने समासीनं शुकादिमुनिवन्दितं बोधयन्तं परं तत्त्वं मध्ये मुनिगणं क्वचित् प्रणम्रवदना सश्वन् नमस्कुर्वन्तमादरा। दृष्ट्वा विस्मयमापन्ना पार्वती परिप्रेक्षति। पार्वत्युवाच ॐ नमो देवदेवेश परात्परजगद्गुरो त्वां नमस्कुर्वते भक्त्या सुरासुरनरः सदा। विधि विष्णु महेन्द्राद्वैर वंद्यः खलु सदा भवान् नमस्करोसि कस्मै त्वं नमस्काराश्रयः किल। भगवन् सर्वधर्मज्ञ व्रतानां व्रतनायकं ब्रूहि मे कृपया शंभो गुरु महात्ममुत्तमम्। इति संप्रार्थितः सश्वन् महादेवो महेश्वरः आनन्दभरितः स्वान्ते पार्वतीमिदमब्रवी। श्रीमहादेव उवाच न वक्तव्यमिदं देवि रहस्यातिरहस्यकं न कस्यापि पुरा प्रोक्तम् त्वद्भक्त्यर्थं वदामि त। जो ब्रह्म अचिंत्य अव्यक्त तीनों गुणों से रहित त्रिगुणात्मक और समस्त जगत का अधिष्ठान रूप है ऐसे ब्रह्म को नमस्कार हो। ऋषियों ने कहा हे महाज्ञानी हे वेद वेदांगों के निष्णात प्यारे सूत जी सर्व पापों का नाश करने वाले गुरु का स्वरूप हमें सुनाओ। जिसको सुनने मात्र से मनुष्य दुख से विमुक्त हो जाता है जिस उपाय से मुनियों ने सर्वज्ञता प्राप्त की है जिसको प्राप्त करके मनुष्य फिर से संसार बंधन में बंधता नहीं है ऐसे परम तत्व का कथन आप करें। जो तत्व परम रहस्यमय एवं श्रेष्ठ सारभूत है और विशेषकर जो गुरु गीता है वह आपकी कृपा से हम सुनना चाहते हैं। प्यारे सूत जी वे सब हमें सुनाइए। इस प्रकार बार बार प्रार्थना किए जाने पर सूत जी बहुत प्रसन्न होकर मुनियों के समूह से मधुर वचन बोले।
सूत जी ने कहा, हे सर्व मुनियों, संसार रूपी रोग का नाश करने वाली मातृ स्वरूपिणी गुरु गीता कहता हूँ, उसको आप अत्यंत श्रद्धा और प्रसन्नता से सुनिए। प्राचीन काल में सिद्ध और गंधर्वों के आवास रूप कैलाश पर्वत के शिखर पर कल्प वृक्ष के फूलों से बने हुए अत्यंत सुंदर मंदिर में मुनियों के बीच व्याघ्र चर्म पर बैठे हुए शुक आदि मुनियों द्वारा वंदन किए जाने वाले और परम तत्व का बोध देते हुए भगवान शंकर को बार बार नमस्कार करते देखकर अतिशय नम्रमुख वाली पार्वती ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। पार्वती ने कहा, हे ओंकार के अर्थ स्वरूप, देवों के देव, श्रेष्ठों से भी श्रेष्ठ हे जगत गुरु, आपको प्रणाम हो। देव, दानव और मानव सब आपको सदा भक्तिपूर्वक प्रणाम करते हैं। आप ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि के नमस्कार के योग्य हैं। ऐसे नमस्कार के आशय रूप होने पर भी आप किसको नमस्कार करते हैं? हे भगवान, हे सर्व धर्मों के ज्ञाता, हे शंभो, जो व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है ऐसा उत्तम गुरु महात्म कृपा करके मुझे कहें। इस प्रकार पार्वती देवी द्वारा बार बार प्रार्थना किए जाने पर महादेव महेश्वर ने अंतर में खूब प्रसन्न होते हुए पार्वती से इस प्रकार कहा। श्री महादेव जी ने कहा, हे देवी, यह तत्व रहस्यों का भी रहस्य है, इसलिए कहना उचित नहीं। पहले किसी से भी नहीं कहा, फिर भी तुम्हारी भक्ति देखकर वह रहस्य कहता हूँ। मम रूपासि देवी त्वं अतस्तत् कथयामि ते लोकोपकारकः प्रश्नो न केनापि कृतः पुरा यस्य देवे परा भक्तिर् यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथित्याहर्थाः प्रकाशन्ते महात्मना यो गुरुः स शिवः प्रोक्तो यः शिवः स गुरुः स्मृतः विकल्पं यस्तु कुर्वीत स नरो गुरुतल्पगः वेदशास्त्रपुराणानि चेतिहासादिकानि च मन्त्रयन्त्रविद्यादीनि मोहनोच्चाटनादिकम् शैव शाक्तागमादीनि हन्ये च बहवो मताः अपभ्रंशाः समस्तानां जीवानां भ्रान्तचेतसां जपस्तपोव्रतं तीर्थं यज्ञोदानं तथैव च गुरुतत्त्वमविज्ञाय सर्वं व्यर्थं भवेत् प्रिये गुरुबुद्ध्यात्मनो नान्य सत्यं सत्यं वरानने तल्लाभार्थं प्रयत्नस्तु कर्तव्यस्य मनीषिभि गुढा विद्या जगन्माया देहस्याज्ञानसंभव विज्ञानं यत्प्रसादेन गुरुशब्देन कथ्यते देहि ब्रह्म भवेदस्मा त्वत्कृपार्थं वदामि त सर्वपाप विशुद्धात्मा श्रीगुरो पादसेवना शोषणं पापपङ्कस्य दीपनं ज्ञानतेजस गुरोः पादोदकं सम्यक् संसारार्णवतारकम् अज्ञानमूलहरणं जन्मकर्मनिवारकं ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थं गुरुपादोदकं पिबे स्वदेशिकस्यैव च नाम कीर्तनं भवेदनन्तस्य शिवस्य कीर्तनं स्वदेशिकस्यैव च नाम चिन्तनं भवेदनन्तस्य शिवस्य चिन्तनं काशीक्षेत्रं निवासश्च जाह्नवी चरणोदकं गुरुविश्वेश्वरः साक्षात्
तारकं ब्रह्मनिश्चय गुरु सेवा गया प्रोक्ता देह स्यादक्षयो वटः तत्पादं विष्णुपादं स्यात् तत्र दत्त मनस्ततम् गुरुवक्त्रे स्थितिं ब्रह्म प्राप्यते तत्प्रसादतः गुरोर्ध्यानं सदा कुर्यात् पुरुषं स्वैरिणी यथा। हे देवी, तुम मेरा ही स्वरूप हो, इसलिए यह रहस्य तुमको कहता हूँ। तुम्हारा यह प्रश्न लोक का कल्याण कारक है। ऐसा प्रश्न पहले कभी किसी ने नहीं किया। जिसको ईश्वर में उत्तम भक्ति होती है, जैसी ईश्वर में वैसी ही भक्ति जिसको गुरु में होती है, ऐसे महात्माओं को ही यहाँ कही हुई बात समझ में आएगी। जो गुरु हैं वे ही शिव हैं, जो शिव हैं वे ही गुरु हैं। दोनों में जो अंतर मानता है वह गुरु पत्नी गमन करने वाले के समान पापी है। वेद शास्त्र पुराण इतिहास आदि मंत्र यंत्र मोहन उच्चाटन आदि विद्या शैव शाक्त आगम और अन्य सर्व मत मतांतर, ये सब बातें गुरु तत्व को जाने बिना भ्रांत चित्त वाले जीवों को पथभ्रष्ट करने वाली हैं। और जप तप व्रत तीर्थ यज्ञ दान ये सब व्यर्थ हो जाते हैं। आत्मा में गुरु बुद्धि के सिवा अन्य कुछ भी सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। इसलिए इस आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए बुद्धिमानों को प्रयत्न करना चाहिए। जगत गूढ़ अविद्यात्मक माया रूप है और शरीर अज्ञान से उत्पन्न हुआ है। इनका विश्लेषणात्मक ज्ञान जिनकी कृपा से होता है उस ज्ञान को गुरु कहते हैं। जिस गुरुदेव के पाद सेवन से मनुष्य सर्व पापों से विशुद्ध आत्मा होकर ब्रह्म रूप हो जाता है, वह तुम पर कृपा करने के लिए कहता हूँ। श्री गुरुदेव का चरणामृत पाप रूप कीचड़ का सम्यक शोषक है, ज्ञान तेज का सम्यक उद्दीपक है और संसार सागर का सम्यक तारक है। अज्ञान की जड़ को उखाड़ने वाले, अनेक जन्मों के कर्मों को निवारने वाले, ज्ञान और वैराग्य को सिद्ध करने वाले श्री गुरुदेव के चरणामृत का पान करना चाहिए। अपने गुरुदेव के नाम का कीर्तन अनंत स्वरूप भगवान शिव का ही कीर्तन है। अपने गुरुदेव के नाम का चिंतन अनंत स्वरूप भगवान शिव का ही चिंतन है। गुरुदेव का निवास स्थान काशी क्षेत्र है। श्री गुरुदेव का पादोदक गंगा जी है। गुरुदेव भगवान विश्वनाथ और निश्चित ही साक्षात तारक ब्रह्म है। गुरुदेव की सेवा ही तीर्थराज गया है। गुरुदेव का शरीर अक्षय वटवृक्ष है। गुरुदेव के श्रीचरण भगवान विष्णु के श्रीचरण हैं। वहाँ लगाया हुआ मन तदाकार हो जाता है। ब्रह्म श्री गुरुदेव के मुखारविंद में स्थित है। वह ब्रह्म उनकी कृपा से प्राप्त हो जाता है। इसलिए जिस प्रकार स्वेच्छाचारी स्त्री अपने प्रेमी पुरुष का चिंतन करती है, उसी प्रकार सदा गुरुदेव का ध्यान करना चाहिए।